तो अभी जो है आपने बिना बैटरी के स्टार्ट किया है और देख सकते हैं इसमें बैटरी नहीं है और गाड़ी स्टार्ट है। दोस्तों अभी मैं हूँ NCR मोटरसाइकिल ओखला में। ओखला में आपने शायद देखा होगा कि एक NCR मोटरसाइकिल हमारे रम्मी भाई ने एक चार्जर बनाया था जो विदाउट बैटरी स्टार्ट के बहुत काम की चीज़ है। तो मैं खुद मिलने आ रखा हूँ यहाँ पर NCR मोटरसाइकिल में। तो अभी फ़िलहाल मैं ओखला पहुँच चुका हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ मिलते हैं। तो जो लोकेशन है, लोकेशन हमारी यहीं पर है और इस गली के अंदर में है आगे जाने के बाद, तो मेरे को पता नहीं है, देखते हैं कि मिल पाते हैं नहीं मिल पाता है मतलब लोकेशन। और काफ़ी देर से हम ट्राई कर रहे हैं, जो मैंने गूगल मैप में सर्च मारा था वो यहीं की लोकेशन है और यहाँ पर पूछ लेंगे कहीं पर, क्योंकि अब मतलब इसी फ़ोन से मैंने लोकेशन चेक करी थी वो सेम यहीं की लोकेशन है। तो वहाँ तक तो मैं आ गया हूँ, यहाँ पर एक बार पूछ लेंगे। भैया ये NCR मोटरसाइकिल वाले कहाँ पर हैं? NCR मोटरसाइकिल जो बाइक वाले बाइक बुलेट रिपेयर करते हैं, बुलेट? हाँ आगे। तो अभी यहाँ इस कोने में बता रखा है, देखते हैं। यस यहीं पर है ये, देखते हैं यहीं पर को, यही जगह लगती है। ये NCR मोटरसाइकिल ऊपर लिखा है, तो एक बार चलते हैं अंदर को। अंकल NCR मोटरसाइकिल? जी जी NCR मोटरसाइकिल। रमी भाई यहीं पर? जी। ओके लगता है, देखिए शायद आपको नजर आएंगे रमी भाई। सर बढ़िया, कैसे हैं आप? कैसे भाई? सर और सर बढ़िया। अंकल नमस्ते। अंकल तो अभी मैं NCR मोटर पहुंच चुका हूँ, तो मेरे पीछे मेरे साथ आप NCR भाई देख सकते हैं, रम्मी भाई, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं अंकल हैं जो उनके फादर हैं। तो अभी हम बात करते हैं उस चार्जर के बारे में, आपने एक चार्जर बनाया था। अच्छा अच्छा उस चार्जर के लिए आप? जी बिल्कुल, मैं जी। बिल्कुल पिथौरा घर से यहाँ चल के आया हूँ उस चार्जर के बारे में कि चार्जर वो कैसा है और कैसे काम कर सकता है। तो एक बार देखते हैं वो चार्जर कैसा है और कैसे काम करता है, तो एक बार मेरे को दिखाएंगे सर। हाँ बिल्कुल, शायद एक ही पीस बचा हुआ है। ओके सॉकेट के बारे में भी बता दिए। ओके अच्छा ये जो हमने पीस बचा हुआ है हमारे पास। अच्छा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्जर है वो। ओके मैं एक बार नीचे रख के दिखाता हूँ आपको। ये चार्जर है वो और ये हमारा BS4 मॉडल जितने भी हैं, अच्छा UC इंजन जितने भी हैं, UC इंजन और Electra 2005 का जो है, अच्छा सब में काम करेगा। और यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड है BS4 या UC इंजन जो भी कह लो, ये सबके अंदर चार्जर काम करेगा। तो मैं अपने सामने यहाँ पर एक बार बैटरी खुलवा रहा हूँ और सीट खोल के चार्जर जहाँ पर सॉकेट रहता है उसको खोल के चेक करेंगे। और आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये BS4 मॉडल है, इसके अंदर चारकोल कनेक्टर यहाँ पर लगा पड़ा है, ठीक है। और देखिए AHO सिस्टम भी इसके अंदर है, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये BS4 मॉडल है और UC इंजन है नॉर्मल। ये चार्जर जो है हर किसी में काम करने वाला है। तो अभी देखते हैं इस गाड़ी के अंदर सीधे, इसको जल्दी से खुलवा देते हैं। पर मैंने अभी सीट खुलवा दी है, ठीक है। एक बार हम देखें आपको बैटरी के साथ स्टार्ट करके दिखाते हैं। देखिए लाइट जल रही है और अब हम यहाँ पे माइनस की वायर खोलेंगे गाड़ी की। जैसी माइनस की वायर खोलेंगे और गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये देखिए गाड़ी बंद हो चुकी है और अब ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी बस। और अब हम दिखाते हैं वो चार्जर जिसकी मदद से गाड़ी विदाउट बैटरी स्टार्ट हुई थी, और वो चार्जर ये रहा। तो आप ये यहाँ लगा आपको एक मॉडल में, और तो गाड़ी की मतलब यहाँ पर देखिए इस जगह पे लगा रहता है, आप यहाँ देख सकते हैं। और अब इसको निकालेंगे, तस्ती
ये रहे इसके दो सॉकेट, दो सॉकेट हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो ये वाली वायर डायरेक्ट जैसे आप देख सकते हैं यही दो सॉकेट इसके अंदर है। देखिए आप जैसे थ्री प्लग होते हैं इसमें यहाँ पे आप थ्री प्लग देख सकते हैं, ये वैसे ही डिजाइन कर रखा है और क्लासिक के लिए अलग से डिजाइन कर रखा है। और आपको दोनों मॉडल अवेलेबल मिलेंगे, आपका थंडरबर्ड हो या स्टैंडर्ड हो या इलेक्ट्रा हो या क्लासिक हो, आपको आपको हर मॉडल का अवेलेबल मिलेगा हमारे पास। लंबी वाली वायर अल्टरनेटर में और छोटा वाला वायरिंग वाले सॉकेट में फिट कर दिया। बस उसको खोलो मत, कंप्लीट नहीं खोला, खाली दिखाना है यहाँ पर। ये देखिए सॉकेट लगा दिया हमने, ठीक है। इसको RR यूनिट भी बोलते हैं और चार्जर भी बोलते हैं, बैटरी चार्जर। और अभी देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। यहाँ पे लाइट जलने लगी है, इंडिकेटर काम कर रहे हैं, लाइट काम कर रही है। और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी की तार बिल्कुल हटा रखी है, बैटरी के बाद लगाएंगे चार्जिंग करेगा। और देखिए यहाँ पे अभी चार्जिंग नहीं दिखा रहा है क्योंकि बैटरी तो है ही नहीं, चार्जिंग कहाँ दिखाएगा। और जैसे हम बैटरी लगाते हैं और इसके बाद यहाँ पे चार्जिंग दिखाना चालू कर दिया। तो ये बहुत ही आसानी से देखिए काम कर रहे हैं। और देखिए और अब हम यहाँ पे सॉकेट निकालते हैं इसका, और जैसे ये सॉकेट निकालेंगे गाड़ी बंद हो जाएगी। ये देखिए, और अब हम एक बार क्या करेंगे बैटरी लगाएंगे, देखिए करिए। और देखिए गाड़ी स्टार्ट है और जैसे ये सॉकेट निकालेंगे गाड़ी बंद हो जाएगी। तो बट ये सॉकेट लगाने के बाद और जैसे हमने ये RR यूनिट का चार्जर का सॉकेट लगाया इसका गाड़ी स्टार्ट है। और ऐसा नहीं बिल्कुल आपकी भी स्टार्ट रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी इसके अंदर। ना ही स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। तो रमी भाई एक बार बताइए कि ये कितने तक का अवेलेबल मिल जाएगा मार्केट में, और अगर लोग लेना चाहते हैं। देखिए भाई मार्केट का तो अभी मार्केट में नहीं, हमने डिजाइन किया ये तो, खुद हाँ खुद का चाहिए मैं ही दे रहा हूँ या। और अभी जो इसका प्राइस रखा हमने 1300 रुपए प्राइस रखा है विदाउट शिपिंग। ओके विदाउट शिपिंग, मतलब जितना कोरियर चार्ज आएगा वो अलग आएगा हिसाब से जहाँ भी एड्रेस। बिल्कुल ओके। तो और एक चीज और बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो चार्जर है ये जितने भी इलेक्ट्रा मॉडल है जी, एक बीच में आया था 2002 से लेके 2001 से लेके 2003 तक जो विदाउट बैटरी स्टार्ट हुआ करता था। ओके वो उसमें मिसिंग प्रॉब्लम होती है इसलिए कंपनी ने वो मॉडल फेल करके बंद कर दिया। बिल्कुल एक स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड में नहीं लगेगा क्योंकि मेरे पास जो मैंने अपने वीडियो पोस्ट की थी तो उसके अंदर काफी स्टैंडर्ड की कॉल आएगी ओल्ड मॉडल की, तो ओल्ड मॉडल की बहुत जल्दी बना रहे हम लोग ये। ओके और ये जितनी भी इलेक्ट्रा 2004 के बाद आई थी जो बैटरी स्टार्ट होती है उन सबके मॉडल के लिए, मतलब अगर नॉर्मल भाषा में समझाया जाए तो हमारा ये यूसी इंजन जो होता है यूसी इंजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इलेक्ट्रा 5 गियर स्पीड आई थी या 4 स्पीड आई थी उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको ये बाय करना है ये सामान तो बहुत आसानी से आपको नीचे नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, नंबर के थ्रू आप सीधे पेटीएम कर सकते हैं या सीधे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आपको कोरियर कर दिया जाएगा 2 या 3 दिन में आपके यहाँ पहुँच जाएगा। 3 से 4 दिन में आपके यहाँ आराम से पहुँच जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको चार्जर कैसा लगा, और अगर आपको ये बाय करना है या बाय नहीं करना है या ये नया आइटम बना रखा है कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए जय हिंद वंदे मातरम।